नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झावारियान। बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों को और सख्ते में डाल दिया है। हर वक्त लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए क्या फिर से देश के भीतर लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है, जो कि जानना आप सबके लिए जरूरी भी है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के भीतर भी कई मामले सामने आए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पिछले बीते 24 घंटे के भीतर देश के अंदर 2 लाख, जो कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये पूरा आंकड़ा है, 2 लाख संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना से और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के भीतर। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, यहां पर कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अपना काम काज संभालने के लिए लोग लौटे ही थे, तो देखिए किस तरीके से रफ्तार जो है वो फिर से कोरोना की देखने को मिली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने जो फैसला लिया है वो ये है कि वीकेंड कर्फ्यू का फैसला केजरीवाल सरकार ने ले लिया है। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर वाकई आपके लिए जरूरी है जानना कि वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के भीतर लगा दिया गया है। और आज दिन में ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये इस बात की घोषणा कर दी है कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अब इसमें आप ये समझिए कि वीकेंड कर्फ्यू में कहां पर पाबंदी रहने वाली है और कहां पर आप लोगों को सहूलियत मिलने जा रही है, क्योंकि कई लोग इस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं रोजगार पाने के लिए, कामकाज संभालने के लिए, और इसी बीच में इस तरीके का जो मामला है वो सामने आ जाता है। ऐसे में लाजमी है लोगों की चिंता बढ़ जाती है। तो अब आप ये समझिए कि अगर आप दिल्ली के भीतर रहते हैं तो आपको पहले नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया था कोरोना पर लगाम कसने के लिए और लगाम पाने के लिए, ताकि संक्रमित लोग ना हो पाए। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से तेजी से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। इसमें जो वीकेंड में क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वीकेंड में ज्यादा लोग काम करने वाले बाहर नहीं निकलते, बल्कि एंटरटेनमेंट करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। तो जो कि अभी कोरोना को ध्यान में रखते हुए जरूरी नहीं है एंटरटेनमेंट, आप अपने घर के अंदर रहिए। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये भी समझ रहा हूं कि वीकेंड कर्फ्यू से भी कई लोग प्रभावित होंगे, लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये जरूरी है इस वक्त पर ये कदम उठाना, इसीलिए इसका सहारा लिया जा रहा है। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि आखिर वीकेंड कर्फ्यू में कहां पर पाबंदी रहने वाली है, कहां पर आपको सहूलियत मिलने जा रही है। तो ये समझिए, स्विमिंग पूल एरिया हो गया, और आप जहां पर एंटरटेनमेंट जोन होते हैं, थिएटर्स हैं, थिएटर्स में 30% ही जो व्यूवर्स हैं वो जा सकते हैं, ऑडियंस वहां पर जा सकती है। उसके बाद जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन्हें भी बंद रखा जाएगा वीकेंड में, वो अपने घर से काम कर सकते हैं यानी कि वर्क फ्रॉम होम वो कर सकते हैं। ऐसे में जो एसेंशियल सर्विसेज है उन्हें अलाउ किया गया है, आप बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, मीडिया कर्मी हैं, ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो ये अपनी सेवा दे सकते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं यात्रा करने का प्लान कर रहे थे वीकेंड में, तो आप ये समझिए कि अगर आपने अपनी टिकट बुक करवा ली है, चाहे वो फ्लाइट की हो, चाहे वो बस की हो, चाहे वो रेल की हो, इसमें आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बहुत ही स्पष्ट रूप में ये कह दिया है कि जो यात्रीगण हैं, यानी कि जो प्लेन से ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर बस से करने जा रहे हैं या फिर ट्रेन से करने जा रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अपना टिकट कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास टिकट है। अगर आपको बीच में रोका जाता है तो आप अपना टिकट दिखा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि शादियों का ये सीजन है, तो लाजमी हो जाता है कि अन्य राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचे, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना मिल रही हो। तो ये पूरी स्पष्ट रूप में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से दिल्ली के भीतर जो है वो नाइट कर्फ्यू के सहारे के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप ट्रैवल कीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत पेश ना आए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मेंशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।